तो शादी विवाह का लग्न शुरू हो रहा है। रांची के अधिकतर बैंक्वेट हॉल फुल हो गए हैं, लेकिन जिस तरह कोरोना एक बार फिर पांव पसार रहा है, इससे हॉल के मालिकों में असमंजस की स्थिति आ गई है। उन्हें एक तरफ जहां कोरोना के फैलने का डर लग रहा है, वहीं फिर से लॉकडाउन का भी खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट देखें। कोरोना की तीसरी लहर की आहट, असमंजस में आए बैंक्वेट हॉल के मालिक। लगन शुरू होते ही फुल हो गए थे बैंक्वेट हॉल। मालिकों को अब सताने लगा कोरोना का डर। कोरोना को लेकर जारी सरकारी निर्देश की वजह से पिछले दो वैवाहिक सीजन में सर्वाधिक लोग विवाह नहीं कर पाए थे, वो इस बार बैंक्वेट हॉल का बुकिंग कराना शुरू कर चुके थे। यही वजह है कि नवंबर दिसंबर के शुभ मुहूर्त पर बैंक्वेट हॉल की बुकिंग फुल हो गई है। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, बैंक्वेट हॉल संचालक और विवाह कराने वाले लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है। सारे अभी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस कोविड जैसे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए आदमी ये सोच रहा है कि पता नहीं आगे क्या होगा। कुछ को कैंसिलेशन भी एगो हुआ है और बुकिंग है, तो पहले से कोरोना से पहले का जो भी आदमी था वही लोग जो है रुके हुए हैं, क्योंकि दो साल से कुछ काम हुआ नहीं। तो नहीं बस हाँ, ये चीज़ बोल सकते हैं, जो मैक्सिमम जो बुकिंग है वो जो लास्ट टाइम कैंसिल हुआ है या पोस्टपोन्ड हुआ है कोविड की वजह से, वही सारा बुकिंग जो है वो नवंबर और दिसंबर में 90% बुकिंग जो है वही शिफ्टेड हुआ है यहाँ पे। और बाकी जो है एक दो जो नए हैं, थोड़ा सा अभी भी लोगों में डर बना हुआ है, खास करके जो बड़े बैंक्वेट हॉल हैं वहाँ पे अभी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, और लोग खर्च करने में भी अब सोच रहे हैं थोड़ा सा, पहले जैसे लोग शादी ब्याह में खुल के खर्च करते थे। राजधानी रांची में सैकड़ों बैंक्वेट हॉल जहाँ शादी विवाह के शुभ मुहूर्त में वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं। दीपावली पर बीते ही तमाम धर्मों के विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। हिंदू पंचांग के मुताबिक आने वाले 15 नवंबर से विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो रहे हैं, जो आषाढ़ माह तक चलेंगे। ज्योतिषी दिव्यानंद के मुताबिक हिंदू धर्म में विवाह के लिए शुभ लगन पिछले कई सालों से इस बार अधिक, लिहाजा इस बार विवाह तय कर रहे लोगों के अलावा पिछले साल विवाह कैंसिल कर चुके लोग इस बार विवाह कर पाए। आप देखेंगे लोगों को फुर्सत मिलेगी, बहुत लगन है। और इस बार अभी सबसे पहले जैसा लोग जानते हैं चातुर्मास में 4 महीना जो होता है वो 4 महीना पूरा विवाह कार्यक्रम बंद हो जाते हैं, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थान एकादशी बोलते हैं वो, उसके बाद से लग्न प्रारंभ हो जाएगा। और इस बार पूर्णिमा तिथि जो कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन प्रथम लग्न है, जो कि 15 नवंबर पड़ेगा। शादी विवाह एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे पूरी अर्थव्यवस्था रन करती है। विवाह भले एक युवक और युवती के बीच होती हो, लेकिन इससे कईयों का व्यवसाय जुड़ा होता है। जिस तरह से पिछले साल इन लोगों का व्यवसाय प्रभावित हुआ, उसे दोबारा पटरी पर आने की उम्मीद जता रहे हैं। अगर कोरोना की स्थिति सामान्य रही तो उम्मीद की जानी चाहिए कि विवाह कार्य से जुड़े तमाम लोगों का जीवन दोबारा पटरी पर लौटेगा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से मंटू के साथ दीपक उराव। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।